गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल एक्सपर्ट में। आज हमें जाना है ऋषिकेश और हम बहुत जल्दी उठ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, पूरी लाइट ही जल रही है बाहर भी। देखिए आप, सूर्य देवता दर्शन दे चुके हैं और जो धूप है वो चमकती हुई दिखाई दे रही है। तो हम लोग अब भृगुखाल के लिए निकल रहे हैं और ये देखिए अब हम गाड़ी से जाते हुए, देवेंद्र भैया की गाड़ी से आज हम ऋषिकेश जा रहे हैं। ऋषिकेश हमारे गांव से 65 किलोमीटर दूर है और भृगुखाल के बाद नेक्स्ट जो स्टेशन होने वाला है वो कांडी होगा, वो भी एक बड़ा मार्केट है। कांडी के बाद हमें ठांगर स्टेशन मिलता है और ये ठांगर है, यहाँ पर जो है धान की खेती भी की जाती है। आप देख सकते हैं सड़क के दोनों किनारे किस तरीके से खेत हैं, बहुत सुंदर खेत हैं और काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है यहाँ की। उसके बाद विथ्याणी था, विथ्याणी के बाद हमें मिलेगा तूनखाल और उसके बाद हम पहुंचेंगे द्यूली। द्यूली जो है इस रूट पे सबसे बड़ा मार्केट है और यहाँ से ऋषिकेश की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर है। यहाँ सामने से जो ऊपर के लिए रास्ता जा रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड पर जो रोड जा रही है वो नीलकंठ महादेव के लिए जाती है। अभी थोड़ी देर में मुझे सूरज भाई मिलने वाला है, ये देख सकते हैं आप सूरज। उसके बाद हम लोगों ने अमूल लस्सी इंजॉय की, फिर हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे। उसके बाद सूरज ड्यूटी चला गया और फिर हम ऋषिकेश के लिए चले गए। अब सूरज से हम मिल चुके हैं तो अब हम अमीषा को मिलने जा रहे हैं और साथ ही मार्केट में कुछ काम था तो उसे भी पूरा करेंगे। ये अमीषा के घर का रास्ता है और हम अमीषा के रूम पे अब एंटर हो चुके। मम्मी मुझसे पहले आ गई क्योंकि सुमित लेके आ गए थे। तो हम आ चुके हैं अब अमीषा के घर में। ये देखिए मम्मी पहले लेट चुकी हैं, ये देखिए शादी से आए हैं कि हालत ऐसी खराब हो रही है। ये है अमीषा और हमारे पास कुक हैं, ये हमारे पास कुक हैं, ये सुमित जी हैं। देखिए ये अच्छी चाय बनाते हैं। आओ पिलो, सारे चाय पिलो। सुमित उमा और चीज नहीं ना, मतलब कम भी ना पर ठीक जो उमा मिट्टो तो ये एक कप को निकाल देखो ना, ये ठीक जो। अब हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी घाट, उधर से हम लोगों को शॉपिंग करनी है। ये हमारे साथ सुमित है, अमीषा भी है साथ में और इस बुल्ले का एक चैनल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये तो मैंने बहुत मिस किया। तो हम जा रहे हैं त्रिवेणी घाट, ये जा रहे हैं। आ जाता हाथ में, ये देख सकते हैं आप ऋषिकेश का मार्केट। अभी हम जाएंगे सुमित की, ये है सुमित की फेवरेट दुकान, लवली फैशन है ना। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश के प्रमुख घाटों में से एक है और यहाँ से लोग गंगा जल घर के लिए ले जाते हैं और यहाँ पर स्नान भी करते हैं और शाम के वक्त यहाँ पर जो है माँ गंगा की आरती भी होती है, तो आप आरती भी एंजॉय कर सकते हैं।
दिखाओ चरखी। मस्त चरखी बहुत दूर बैठी वहाँ। ये लोग पहुँच चुके हैं हमसे पहले। लाओ दो मुझे। प्रीमा परमोजन ये फुल हाइजेनिक मोमोज। ऋषिकेश से आने के बाद फिर मैं लक्ष्मण झूला आ गया था, लेकिन जो लक्ष्मण झूला का जो पुल है अभी वो मरम्मत चल रही है उस पर, और जो यहाँ पे नया पुल बनने वाला है ये कांच का पुल बनेगा। लक्ष्मण झूला से हमारी पुरानी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। पहले हम बुआ जी के साथ यहाँ आया करते थे, मैं और मेरी सिस्टर, तो हम लोग लक्ष्मण झूला को हर साल गर्मियों की छुट्टियों में एक्सप्लोर करने जाते थे, और साथ ही स्वर्गाश्रम भी हमें बहुत पसंद था। आपको अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप व्लॉग को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।